मेरा वो था क्या भाई? यस यस सर, सर, यस सर। यस सर। ओके, तो हम क्या पढ़ रहे थे सर? लास्ट ब्रेकिंग साइड लेवल किया था सर हमने। हाँ ब्रेक इन साइड लेवल करेक्ट। यस सर। ओके, हमने ये देखा कोई स्विंग में ब्रेक इन साइड लेवल को हम देख रहे थे, करेक्ट। यस सर। ब्रेक इन साइड लेवल का मतलब क्या है? अगर ये कोई ब्रेक इन साइड लेवल है, अगर प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, इधर से रिवर्स होगा, करेक्ट। चांसेस है यस सर। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, इधर कोई ब्रेक इन साइड लेवल है तो ऐसे होगा, करेक्ट। यस सर। इसको ब्रेक इन साइड बोलते हैं। हाँ, स्टॉक मार्केट का भाषा में ब्रेक इन साइड का मतलब है रिवर्स, उल्टी। ये समझ रहे हो क्या? यस सर। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? यस यस सर। सर। हाँ, ब्रेक इन साइड का मतलब क्या है? उल्टा। ओके, उल्टी होना, जो दिशा में जा रहा है उसको रिवर्स कर देना। वो किधर से होगा? कोई ब्रेक इन साइड लेवल से होगा। पॉइंट सर। यस यस सर। सर। हमने जिगजैग में ब्रेक इन सेल लेवल को अभी ढूंढ रहे, करेक्ट। यस सर। ऐसे ही अगर आपको डेली में ब्रेक इन सेल लेवल को देखना है तो हाई है, लो है, इसका इंपॉर्टेंट कैंडल है। क्लियर? यस सर। यस सर। व्हाट इज दिस? अगर डेली में मुझे ब्रेक इन साइड लेवल, अगर प्राइस नीचे से सटाक से नीचे आ रहा है, इधर मतलब इधर ओपन हुआ, सटाक से नीचे आ रहा है, इधर से घुमा ऊपर, ब्रेक इन साइड लेवल से, ये ब्रेक इन साइड लेवल है, समझ रहे हो? यस नीचे आ रहा है, सटाक से घूम गया ऊपर। ऐसे जा रहा था, सटाक से नीचे आ गया, ठीक है। व्हाट इज इट सर? क्लियर? ब्रेक इन साइड सर। ब्रेक इन साइड लेवल। ये डेली टाइम फ्रेम का यूज किया ना? यस सर। क्या आप हर यस एक टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हो? सर। ये पॉइंट क्लियर है? अगर वीकली का यस है सर। तो ये वीकली का कैंडल है, लो ये वाला है, ये हाई वाला है, उसका इंपॉर्टेंट कैंडल। फाइन। यस सर। अगर आपको कल ट्रेड करना है, ये आज का कैंडल है, कल सिर्फ ये लेवल से ट्रेडिंग नहीं होगा। ए पॉइंट क्लियर? अगर मुझे हाई पता है, इसका इंपॉर्टेंट लेवल पता है, लो पता है, तो उधर से ट्रेड लूंगा। क्लियर है ना? आपने अभी देखा ब्रेक इन से लेवल किधर किधर हो सकता है, किधर किधर हो हाई सकता है। हाँ, लो हाफ इंपॉर्टेंट कैंडल एनी हाफ टाइम फ्रेम। हाँ, फ्रेम एनी टाइम फ्रेम सर। टाइम फ्रेम, करेक्ट। चाहे वो मंथली, चाहे वो वीकली, चाहे वो डेली, जिगजैग में ब्रेक इन सेल लेवल तो पता है आपको, करेक्ट। पता सर। नहीं है? हाँ सर। पता है। यस अगर कोई ट्रेड करना है कल आपको, ये सारे लेवल्स इस चार्ट में दिखना चाहिए, इसको स्टडी करना है, तभी आपसे ट्रेडिंग हो पाएगा। ये पॉइंट क्लियर है सर? क्लियर है। अगर मैं एलटी का बात करूं, ओके,
ब्रेक इन साइड लेवल इसमें आता है या इसमें आता है? ग्रीन ये क्या है? में सर, ब्रेक समझ रहे हो ना सर? इनसाइड। इसका इंपॉर्टेंट कैंडल भी मार्क करना है, जो भी है, लेकिन इधर से होगा। वो क्या पैटर्न से ट्रिगर करना है वो अलग बात है, देखेंगे हम। क्या ये लेवल समझ में आ रहा है? एक क्लास में एक दो है क्या यस सर, भाई? ये सुनना, यस मैं बहुत मतलब देखो, ये मतलब ये बैच नहीं करता था मैंने, ओके? कोई लोग मुझे फीस दे दिए थे तो उसके लिए मैं इसको चालू किया, नहीं तो ये नहीं करता था मैंने। हाँ, टाइम प्रीशियस है मेरे लिए। अगर आप सीख रहे हो तो क्वेश्चंस पूछना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बताना मुझे, ओके? अगर मैं ये 2 घंटा बैठ जाता हूँ ना, मैं कुछ कर सकता हूँ कल मार्केट में। ये ICICI बैंक है, करेक्ट? यस सर, यस सर, इसमें क्या है सर, क्या देखूं मैं? क्या वैकेंसी लेवल है? यस सर, वैकेंसी लेवल है ना यस ये? सर। कौन सा लेवल है सर ये? नहीं, आप बताओ ना सर। अभी ब्रेकिंग सेट लेवल के बाद कौन सा बोला सर? ब्रेकिंग सेट लेवल तो है, उसके बाद आपने कौन सा बोला ये यही है ना सर? लेवल? तो ये ब्रेकिंग सेट है, उसके बाद कौन सा बोला, कौन सा लेवल है ये? ब्रेकिंग ब्रेक इन सेट लेवल ही है सर। सेट ही बोला। ओके, यस सर, आज नया डे शुरू हो गया, करेक्ट? वीक का यस सर, जो यस सर, प्रीवियस वीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 13 से 17 तक था ना? क्या यस सर, नहीं इसका ट्रेंड यही से था? यस सर, यस सर, ऐसा है? ये हाई है, ये लो है, यस करेक्ट? सर, यस सर, और क्या मार्क करना है मुझे? इंपॉर्टेंट हाईएस्ट वैल्यू करना, है, हाई वॉल्यूम वो भाई करना, हाईएस्ट वॉल्यूम करना। क्या ये है? क्या ये यस है? सर, यस सर, यस सर। ओके, यस सर, ये मार्क करना आता है क्या भाई? आता है मतलब मैं यस सर, बताया हूं ना आपको, काम करना है, पॉइंट? यस सर, यस अच्छा सर, सर, देखो, सिर्फ नाम बदलता है स्टॉक का नाम, ये हरकतें ऐसे ही होता है, क्लियर है ना? आपको इस पे हासिल यस लाना सर, है आपका टैलेंट को। हाँ, पॉइंट सर, यस सर, मैं यस कर सर, देता हूँ। लोग आते हैं, हाँ, बाद में आता है, बाई किया मैंने। क्यों बाई किया सर? हायर आई था, ऊपर जाएगा, वो गधों को मैं क्या बोलूं? आपको करना क्या है, समझ में आ रहा है क्या भाई? यस सर, यस देखना क्या है, सर, करना क्या है, उसके बिना ट्रेडिंग नहीं चलता है, राइट? सर, यस सर, कोई एक स्टॉक का नाम बताओ। नहीं नहीं से रिलायंस को कंपनी, ये नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा भाई? कोई रिलायंस को रेडी किया है? कोई ओके, चलो इसको हटा दो। नहीं।
निफ्टी 50 को ओपन कर रहा हूँ मैं। गिरेगा ये नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा? अरे रिलायंस को ऊपर आपने जाना चाहिए स्टडी सर, किया होगा, एटलीस्ट निफ्टी 50 को स्टडी किया होगा ना। नीचे हाँ जाएगा मैं हमने यही सीखा था नीचे जाएगा बोल के, करेक्ट। नहीं ना सर, सर ऊपर ऊपर जाएगा, जाएगा, ऊपर जाएगा सर। ये इसका इंपॉर्टेंट कैंडल था यार, इधर सपोर्ट लेके। जादू ऐसे कर रहा है अभी, डाउन ट्रेंड में है क्या? ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? आप तो में है। और वो जो 9:15 में ट्रेड करता है ना ओपन करके, उसमें क्या फर्क है भाई? आपको ये ट्रेनिंग को क्यों अटेंड करना था? अगर आप बोलते हैं नीचे गिरेगा, ये ट्रेनिंग अटेंड करने का मतलब क्या है? क्यों करना था? एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मंथली का लोस है यूटा, मतलब ये ईयर ऑन ईयर, ये क्वार्टर ऑन, सॉरी ईयर ऑन ईयर का जो भी हाईएस्ट वॉल्यूम था उधर से सपोर्ट लेने का कोशिश करके हायर आई मार रहा है, तो ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये लेवल को नहीं ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा तो लेवल को ब्रेक करेगा सर। ये होना चाहिए ना। यस सर। नीचे गिरेगा बोल रहे हो? हाँ गिर सकता है, स्टॉक मार्केट है, लेकिन आपको हाइपोथेसिस करना है, तो क्या करना है, व्हाट व्हाट क्या होना चाहिए? जाना ऊपर है ना सर? यस सर। यस सर। ओके okay, ये हायर है मारा था कल, लो लो मारा था, करेक्ट। यस सर। आगे सीखते हो, अगर इसको आज बाई करना है ना, ब्रेक आउट होके ब्रेक बाई होना था। ओके okay? ब्रेक आउट होके बाई करना था, ये हम सीखेंगे कल। ओके okay? ये लो लो स्ट्रक्चर है, अगर मुझे अपोजिट डायरेक्शन में इसको ट्रेड करना है, ब्रेकआउट ट्रेड रेजिस्टेंस है, मुझे बाई करना है। ओके ओके सर। ओके, अगर ऐसा है तो देखेंगे, मैं 5 मिनट्स ओपन कर देता हूँ। मतलब आज का हाइपोथेसिस भी बही है, आज का हाइपोथेसिस ये ऊपर जाना चाहिए, हाइपोथेसिस बही है। देखो सुनना, अंडरस्टैंड करना है इसको, स्ट्रक्चर लोअर लो है, इनफैक्ट गिरना है इसको, लेकिन इसका जो फंडामेंटल, इसका इंटेंशन ऊपर जाना है, करेक्ट। मेरा दिमाग में आता है बही करना है, जब लो लो है एक गिर सकता है इजी। ओके लेकिन मेरा हाइपोथेसिस के मतलब ये इंपॉर्टेंट लेवल पे किया, जिगजैग को बनाया है, ऊपर जाना चाहिए, ये कारण से है, जब मिला है मैं अपॉर्चुनिटी तो बड़ी होगा क्या, समझ रहे हो? यस जब सर। जब बड़ी होगा ना, ये दिखाता है ओके, दिखता है अगर बड़ी होगा, अगर नहीं होना तभी वो दिखता है। ओके वो कैसे, उसको बोलते हैं माइक्रो एनालिसिस, मतलब कल ये नीचे गिरा था करेक्ट, यस सर। इधर किधर भी टॉप बनाया था, बाद में ऐसे ये नीचे गिरा था करेक्ट। ये ऐसे नीचे नहीं गिर सकता ना, ऐसे ही मजाक में नहीं गिर सकता ना, कोई ना कोई सपोर्ट को फॉर्म करके ही ये गिर सकता है करेक्ट। जी सर। आज हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, उसका जी इंपॉर्टेंस सर, क्या जब ये होता नीचे गिरेगा तो, सर जब ये नीचे गिरेगा तो कोई ना कोई स्पॉट पे फॉर्म, नीचे फॉर्म करके नीचे गिरेगा ये। फॉर्म करके, उसको ब्रेक करके नीचे आ सकता है, बिना तोड़े बिना विदाउट ब्रेकिंग ए सपोर्ट इट कैन नॉट कम डाउन। मतलब कि पहले ये स्पॉट बनाएगा, उसको तोड़ेगा, फिर ये नीचे आएगा सर। हाँ वो तो शाम में समझ में आएगा ना, जब नीचे आया है उसका मतलब है कोई ना कोई सपोर्ट को फॉर्म किया है, बाद में नीचे गिरा है, ये तो रात में समझ में आ जाएगा ना मुझे।
ओके सर। मतलब अभी ये जो हुआ है कल रात में मैं देख रहा हूँ, ये ऐसे हुआ है, अगर नीचे आया है, इसका ट्रेंड नीचे है, कोई ना कोई इस सपोर्ट को ब्रेक करके ही नीचे आया होगा, करेक्ट? करेक्ट सर। ओके okay. यस मतलब मेरा हाइपोथेसिस वही है, करेक्ट? ब्रेकआउट होना चाहिए. हाँ, मतलब लो लो है, मुझे वही करना है भाई. ये जब इधर से गिरा था, इधर एक सपोर्ट बनाया था. ओके okay? सर। यस समझ रहे हो ना, इधर एक सपोर्ट इसने बनाया था, फाइन. यस सर। इसको ब्रेक करके ये नीचे आ गया था कल. ओके फाइन. यस सर। अभी क्या होना चाहिए, मार्केट मेरे लिए ऊपर जाना चाहिए. ओके फाइन. मतलब इधर जबरदस्त शॉर्ट्स बना है. ओके, ये इस जोन में जबरदस्त शॉट बनना था. ओके, तो ओके क्या है देखेंगे. मतलब थ्री कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स नीचे आ रहा था, मतलब उसके ऊपर ओपन हो रहा है, ब्रेकआउट शो कर रहा है. समझ रहे हो ना, जब ये ओपन हुआ ना, ये ब्रेकआउट मतलब इसके ऊपर नहीं है, नहीं है. अच्छा यार ये बॉय ना, ये मुझे पागल बनाता है सर. शिट. हाँ ओके, ये इसके ऊपर है ना, ये ब्रेकआउट शो कर रहा है, क्लियर? जी सर। यस मेरा हाइपोथेसिस भी वही है, ये भी ब्रेकआउट ओपनिंग में दिखा रहा है, फाइन. यस सर। ओके चलो, अगर ब्रेकआउट है, क्या ए लेवल को तोड़ना पड़ेगा? यस सर। इसे खुला, इधर सड़क से ऊपर गया ना, मतलब एक रेजिस्टेंस को इधर बनाया. ओके, यस सर। उसके बाद ये रेजिस्टेंस बनने के बाद इसने इंट्राडे का नया हाई बना दिया, फाइन. ये ओपनिंग स्ट्रॉन्ग था, ओपनिंग स्ट्रॉन्ग था, ब्रेकआउट भी शो किया जो लास्ट शॉट से उसके ऊपर खुला, बाद में इंटरडे का नया जो हाई है, मतलब एक रेजिस्टेंस को फॉर्म किया, ब्रेकआउट में रेजिस्टेंस को भाई करते हैं, करेक्ट? यस इंटरडे इसके बाद ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, ये रेजिस्टेंस के हम सीखेंगे आज, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ना इंटरडे का नया हाई भी बना दिया, फाइन. यस अच्छा, सर। मुझे तो इधर से भाई जाना है. ओके, जो रेजिस्टेंस था ना, इधर से मुझे बच जाना है. आपको दिख रहा है, एक ही कैंडल में दुनिया भर का वॉल्यूम आके नीचे गिर गया. यस इनफैक्ट उसका कारण ये है भाई, ये हायर ही कर रहा था, ये लो लो, ये लेवल को इसने ब्रेक किया था ना, ये लेवल को यस इसने ब्रेक किया था ना, मतलब लो लो, ये लो को ब्रेक किया था, करेक्ट? सर। इधर से मतलब जाना है तो इसके यस ऊपर क्लोज देना चाहिए था, नहीं हुआ, एक ही कैंडल में दुनिया भर का वॉल्यूम आ गया, फाइन. मतलब प्राइस आके नीचे इसको तोड़ दिया, फाइन, नीचे. हाँ समझ रहे हो सर? ए सर। कौन है यार, हु इज दैट डिस्टर्बिंग मी, फॉर गॉड सेक. ये समझ रहे हो सर? यस सर। ये देखो, बाद में ब्रेकआउट का मतलब है लो नहीं टूटना चाहिए. ओके फाइन सर. सर इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए हाँ, इसके ऊपर ये क्लोजिंग देके, ये जो है रेजिस्टेंस है उधर से, वो सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए था. सर। आप लास्ट डे का लास्ट डे का 3 रेड कैंडल देख रहे हैं ना, सबसे ये फॉरगेट, नीचे। फॉरगेट, ये फॉरगेट, यू फॉरगेट दिस. ओके, ब्रेकआउट का मतलब है कोई लेवल से ऊपर खुलना, मतलब लास्ट शॉट है, ये नीचे गिरा है तो लास्ट शॉट इधर पड़ा है, तो ये शॉट पड़ा है तो ये जो भी ऑब्स्टेकल्स है इसको ब्रेक करके बाहर जाएगा. ओके, ये हम पढ़ेंगे, डोंट वरी नाउ, आई एम जस्ट शोइंग यू. ओके, ओके ओके ये ब्रेक करके बाहर जाना चाहिए, नहीं हुआ, ये इधर से मतलब है शॉर्ट है. ओके, ब्रेक इन,
ओके, सेम डायरेक्शन में ना, मतलब ये लोअर लो कर रहा है, करेक्ट, ये लोअर लो है। अगर मुझे सेम डायरेक्शन में आज भी लोअर लो ही करेगा बोल के अगर मैं सोचता हूं तो ब्रेक इन साइड ट्रेड करना है, ओके, रेजिस्टेंस सेल करना है, करेक्ट, सर, रेजिस्टेंस सेल करना है क्या? ब्रेक इन साइड में रेजिस्टेंस से सेल करना है। एक रेजिस्टेंस पैटर्न बनाया था सर। ओके, यू यस डोंट नो, सर, ओके, वी विल लर्न दिस, ओके, मतलब आपको वीडियो में ये जोन है सर, ओके फाइन, ओके। ओके, सेम थिंग आई जस्ट शोड यू, रिलायंस, सर रिलायंस ने आज भी, वहीं से सेल किया था। हाँ एग्जैक्ट वही से, रिलायंस में भी मतलब यही है ना, कोई लो पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर का लो पे ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, करेक्ट, ऊपर जा रहा था, जिगजैग को हाई बनाया था, करेक्ट, यस हाँ नहीं सर, है तो फिर एक बार ड्रॉ करो, यस सर, हाँ यस सर, नहीं सर, यस नहीं सर, सर, ओके चलो, ओके, हाँ इसको जाना ऊपर है, ऐसा नहीं है कि स्ट्राइक लाइन में जाता है ऊपर, हाँ स्टॉप, ओके, इसे होगा, मतलब यस कल इसने लोअर लो किया था, करेक्ट, सर, ये यस आज सर, ब्रेकआउट होके, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाना, ब्रेकआउट होके ये हाई ब्रेक करके बाहर जाना चाहिए, यही हाइपोथेसिस है मेरा, क्योंकि मतलब ये ऊपर जा रहा है, लोअर लो है, मतलब ये ऊपर जाना चाहिए, ओके, हाइपोथेसिस देखेंगे, विदाउट वॉल्यूम ये नीचे आना चाहिए, मतलब तो कुछ हो रहा है, हाँ फाइन सर, यस सर, हाँ मेरा यस सर, हाइपोथेसिस तो वही है, इंट्राडे में, ओके, जाना ऊपर ही है उसको, ये नीचे गिरा था, करेक्ट, सर, ये लो को निफ्टी में ये लो को ब्रेक किया था ना नीचे, ये तो नीचे आके ऊपर जाके इधर किधर भी क्लोज हुआ था, करेक्ट, ये रेंज है, करेक्ट, यस सर, हाँ जो ब्रेकआउट होना है तो हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, इसका ट्रेंड का हाईएस्ट वॉल्यूम है, ये वाला इसका हाईएस्ट वॉल्यूम है, इसके ऊपर खुला है तो ब्रेकआउट होना चाहिए, लेकिन अगर ब्रेकआउट होना है तो स्ट्रांग ओपनिंग है, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग है तो ये इधर से खींचने गलत है ना, प्राइस प्राइस इसके नीचे नहीं है सर, ओके, ये कैंडल के अंदर है, करेक्ट, सर, निफ्टी में राइट इसके सर, नीचे था, करेक्ट, करेक्ट, अगर नीचे है तो मैं ये इसका देखता हूँ, ये दिन का इसके अंदर फंसा हुआ है, 3P बोलते हैं उसको हम, ये जब नीचे गिरा था कोई ना कोई सपोर्ट को फॉर्म करके ही गिरा होगा, 51, 51, ये वाला, ओके, ओके सर, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है स्ट्रॉन्ग ओपनिंग किया है तो फटाक से इसको ब्रेक करके, हाँ ऊपर जाना चाहिए ये, ओके, ये ऑब्स्टेकल्स है, ऐसा नहीं हुआ, मतलब ये कल का भी एक हाई है, इधर इधर से ये ब्रेक इन साइड हो गया, मतलब हाँ फाइन, जी जब ये होगा मतलब ये कंफर्म कर रहा है कि भाई सेल सर, होगा, ब्रेक इनसाइड सेल होगा, ब्रेक इनसाइड सेल है और रेजिस्टेंस है, मैं सेल करूंगा, इसका मतलब है कोई ना कोई रेजिस्टेंस को फॉर्म करेगा, ओके ओके, उधर से मैं सेल करूंगा, क्लियर है ना, ये ऐसे होगा, फाइन सर, हाँ यस फाइन नहीं है, ओके, ये सर, हाई है, ये मतलब ये मतलब लो टूट के आ रहा था, ये पहली बार इधर एक सपोर्ट बनाया था, ओके, मतलब हम सीखेंगे आज, हाँ ये ओके सपोर्ट का जो ऊपर हिस्सा है ना, दिस इज अ ब्रेक इनसाइड लेवल, ओके, मतलब इधर से उल्टी हो सकता है, ओके, इसका ओके पहले जो ट्रेंडिंग कैंडल था उसका हाई मेरे स्टॉप लॉस लेवल, क्लियर है ना, ओके सर, दोबारा रिपीट कर दीजिए। ओके सर, करो सर, आपने कल क्लास रन नहीं किए थे,
सर कल वाला तो नहीं अटेंड किया मैंने, संडे ओके वाला फाइन अटेंड फाइन नहीं फाइन, किया था यू सर। कंटिन्यू विद दिस सेम दिस वन ओके, डोंट कंफ्यूज योरसेल, क्योंकि यस मैं सर। सीनियर्स को भी कल यही हमने डिस्कस किए थे ओके। ये नीचे हाँ गिरा था सर ना सर, इसीलिए बता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ ये जी नीचे हाँ गिरा था करेक्ट। हाँ मुझे रेजिस्टेंस है, जी मुझे इसको सेल करना है ओके। अगर यस सर। ये कोई रेजिस्टेंस है तो आई कैन सेल दिस फ्रॉम एरिया। अगर रेजिस्टेंस में क्या होता है, मतलब कभी कभी ये इसके ऊपर जाएगा प्राइस ओके, यस सर। ऊपर जाएगा बाद में इसको सेल करना पड़ेगा, तो मुझे ब्रेक इन से लेवल को ढूंढना है। इसका मतलब है इधर सपोर्ट बनाया था ना यस सर। इसे, ये इधर से लोअर लो बना था, हायर हाई बना था, मतलब ए से मार के, ए से मार के, ए से मारा था करेक्ट। यस सर। अगर मैं ये ट्रेंड को यस ऐसे ही डायरेक्ट लाइन लगा दूं ओके, ये ट्रेंड में कौन तो सपोर्ट को इसने ब्रेक किया था, ये सपोर्ट को करेक्ट, सर। ये सपोर्ट को इसने ब्रेक किया था करेक्ट। करेक्ट सर। यस ये जब सपोर्ट है उसका ऊंची लेवल है, ये इसका ब्रेक इनसाइड लेवल है। तो सर स्पोर्ट का जो ऊपर वाला लेवल है वो ब्रेकिंग साइड लेवल होएगा सर। नॉट इन ऑल द केसेस सर, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके सर। यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रेड, ये क्या हो रहा है, दिस इज ऑलरेडी इन अ ब्रेक इनसाइड, जो रेजिस्टेंस है उधर से वो गिर रहा है, फाइन नीचे गिर रहा है, तो मेरा एंट्री को किधर बना दो, विच इज द सेफेस्ट एरिया। अगर ये ऐसे ट्रेंड बनाया है, कोई ना कोई सपोर्ट टूट के इधर तक आया होगा ना, यस सर। यस सर। इसका मतलब ये है ये सपोर्ट को टूटा था ओके। अगर इसको नीचे गिरना सर। है जब इसका हाई के ऊपर जाएगा, दिस इज अ ब्रेक इनसाइड लेवल, इधर से ये घूम जाएगा, ओके ओके सर। इसका ठीक पहले का ट्रेंडिंग कैंडल ये था, इसका हाई, दिस इज अ स्टॉप लॉस लेवल। यस सर। एंड द लो इज हियर ओके, दिस इज द टारगेट। अगर यस सर। ऐसा है तो परफेक्ट ठीक ट्रेड है सर। है। नहीं है यस सर। तो मैं जो ऑप्शन में ट्रेड करता है ना, आपको नहीं करना है ओके, समझ यस रहा ना उसे, मतलब ये आपको क्यों दिखा रहा हूं, मैं इनएक्टिव नहीं हूं खुल के दिखाने के लिए। हाँ सर। ये जो होगा ऐसे ही होगा। हाँ ये टॉप से, एकदम टॉप से सेल किए थे हम। हाँ समझ रहे हो ना सर। आपको पहले स्टॉक्स में आपको हासिल लाना है फाइन, इसको ब्रेक इन से ट्रेड करना था ना, अगर आपको लेवल्स पता है सब कुछ पता है ओके, गौरव सर यस इसका लेवल पता है सब कुछ पता है, मतलब ऐसे जगह या मतलब ये टॉप में आके इधर तक गिरा था ना, यस सर। अगर मान लो यू 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 मतलब आपसे ट्रेड नहीं हो सकता है, मतलब ट्रेड नहीं लिया है ओके, आपने एंट्री नहीं किया है बीच में, आप अगर कर रहे हो यस तो विच इज द स्टॉप लॉस लेवल, विच इज द स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस लेवल आपको समझ में आना चाहिए ओके। ये सर इसका फर्स्ट स्पॉट है इसमें जो अगर ब्रेक किया मैं ग्रीन कैंडल इसको पे। इसको हटा दूं, मतलब अगर ऐसे ऊपर जाके या ए लेवल को मैं इधर से इधर तक ला सकता हूं, अगर यस सर मैं देखूं इधर एक सपोर्ट बनाया था बिल्कुल मना सर। ओपन प्राइस ब्रेकआउट से ये स्पोर्ट है। यस ओके, इसका सर। वो जो ऊपर हिस्सा है दैट इज अ ब्रेक इनसाइड लेवल फॉर सेल ओके, यस सर। समझ रहे हो ना, मैं जो अभी रिलायंस में दिखाया सेम चीज, ये तो टॉप में बन रहा है यस सर। ओके। अगर मान लो आपने एंट्री नहीं किया, मतलब ये नीचे आ गया प्राइस, मतलब ये ट्रेंड में आपको दिख रहा है इधर एक सपोर्ट बना है करेक्ट, दिस इज सपोर्ट हियर, दिस यस इज द ब्रेक इन साइड लेवल फाइन। इसका जो प्रीवियस ट्रेंडिंग कैंडल जो है
इसका जो प्रीवियस, इसका मतलब है अभी ये सपोर्ट आखिरी कैंडल में बना ना, ये ट्रेंड का आखिरी कैंडल में सपोर्ट जनरेट हुआ है, करेक्ट? यस सर। अगर ट्रेंड का आखिरी कैंडल है तो यू हैव टू डिसाइड, ओके, मतलब ये ऊपर जाना ही है इसको, मतलब दिस कुड बी द स्टॉप लॉस, ओके, दैट इज द स्टॉप लॉस, देन इट कंटिन्यूज इट्स जर्नी। अच्छा, अगर आपको कोई ट्रेड करना है, पहले ब्रेक इनसाइड कर रहे हो या ब्रेक आउट कर रहे हो, ये समझ में आना चाहिए, ओके? यस सर, राइट, यस। अभी फैक्टर क्या है, फॉर एग्जांपल रिलायंस को मैं उठाता हूँ, ओके, रिलायंस ये तो जाना ऊपर है, स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जाएगा, करेक्ट? स्ट्रेट लाइन में जाएगा, हर एक कैंडल ग्रीन बना के तो मेरा टारगेट देके बता देगा, तू पैसा कमा लो बैठ के आराम में घर में बैठे, नहीं सर, बोलता है क्या? नहीं बोलता है ना, ऊपर नहीं जाता, करेक्ट? नहीं सर, अगर ऐसा है, मतलब ये नीचे गिर रहा है ना, यस सर, वॉल्यूम नहीं है का मतलब है, वॉल्यूम नहीं है का मतलब क्या है, सेलिंग में वॉल्यूम नहीं है उसका मतलब क्या है, जो होल्ड किया है वो बेच नहीं रहा है ना, यस जिसके पास सर, माल है वो होल्ड किया है, करेक्ट? नहीं बेच रहा है यस सर, ना? यस सर, अगर मार्केट में क्या है, यू कैन रोल ओवर, अगर आपने बाई किया है यू कैन रोल ओवर, राइट? सेल यू कैन नॉट होल्ड, राइट? सर, अगर यस आपके पास सर, रिलायंस स्टॉक है, आपका मर्जी है ना, मैं कल भी लेता हूँ, 1 ईयर के बाद भी सेल कर सकता हूँ, करेक्ट? मेरा मर्जी है वो, यस, यस सर, कौन यस पूछ सर, सकता है, बेजू के कोई बोलता है क्या? अगर जो बाई किया है वो मना नहीं, मना नो करता है कि बेचने के लिए, ओके, हाँ, तो प्राइस गिरेगा सर, कैसे? प्राइस गिरेगा कैसे, समझ रहे हो मेरे बात को? यस सर, अगर जो किसके पास माल है वो बेच नहीं रहा है, ओके, आपके पास मान लो मतलब कोई चीज है, ओके, मतलब मान लो एक खार है, कोई पूछ रहा है, मतलब आई विल गिव द बेस्ट प्राइस, बोल के आप मना करते हो कि भाई नहीं बेचूंगा मैं, बोल के, ओके, कितना भी कोट कर दो मैं नहीं बेचूंगा, उसका डिमांड बढ़ेगी ना, मतलब कार का, जी सर, क्या? ऐसा ही, इसके पास माल है अगर वो नहीं बेच रहा है, ओके, अगर मान लो कल भी ये लो लो बना दिया, जबरदस्त शॉर्ट बना, मतलब इंट्राडे में सेलिंग किए लोग, ओके, इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हैं ना, यस सर, लोग ने शॉर्ट कर दिया, जो पकड़ के बैठा है, जो होल्ड कर रहा है वो मना कर रहा है बेचने के लिए, ओके, प्राइस क्या होगा? नहीं गिरेगा सर, गिरेगा का बात अलग है, अगर बार मान दोबारा बोलो लो, सर, आपने क्या बोला? अगर मान हाँ लो कोई इंटरडे में आके शॉर्ट कर दिया, ओके, जबरदस्त शॉर्ट्स बना, हाँ, यस सर, जो पकड़ा है ना, मतलब माल को जो बाई करके होल्ड कर रहा है ना, अगर वो मतलब सेल करने के लिए रेडी नहीं है, ओके, उसका मर्जी है ना सर, सेल करना, बोलेगा भाई मैं जब 3,000 पे जाएगा सेल करूंगा, हाँ, यस सर, ये जो इंटरडे में सेल किए थे ना अनारे लोग, मतलब हम जैसे करे, हाँ, यस अगर प्राइस उल्टा घूमा, एक ही कैंडल ए से बना देगा, समझ रहे हो? क्योंकि राइट, ये जो सेल किए थे इनका यस स्टॉप लॉस तो ऊपर है, अभी ये ए से, परफेक्ट, हाँ, फाइन, यस मैं सिर्फ इसका इंतजार कर रहा हूं, ओके, यही चीजों का इंतजार, आई एम वेटिंग इन निफ्टी ऑल्सो, आई एम वेटिंग इन रिलायंस ऑल्सो, हाँ, मैं इधर बाई किया था ना, इधर 80,000 को बाई किया था ना मैंने, अगर मैं जी सर, मना नहीं कर, मना कर रहा हूँ कि बेचने के लिए, प्राइस नीचे गिरेगा, हाँ, क्या सर, हाँ?
सर मैं सर यही ये तो दस डिस्टर्बेंस किसके मोबाइल से आ रही हाँ है सर? ये डिस्टर्बेंस किसके मोबाइल से आ रहा है सर? व्हाट इज दैट सर। सर डिस्टर्बेंस बहुत आती है कई बार बीच में। हाँ मैं क्या करूँ भाई, मैं तक चुका हूँ बोल के। देखो भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, ये लेवल से कोई एनालिसिस करके इसको होल्ड बाई किया था ना 80,000 में। हाँ 80,000, 85,000 का इन्वेस्ट किया था। हाँ जी मैं मना कर रहा हूँ सेल करने के लिए, इसको जाना है मिनिमम इधर है ना, मिनिमम इसको इधर जाना है ना। हाँ सर, यस सर, हाँ दैट इज फॉर 5 इयर्स और यस 10 इयर्स नॉट फॉर दिस। अगर मैं 80,000 है भाई, ये 80 बिलियन का ट्रेड होता है रेंज में, करेक्ट। मैं कौन हूँ जी सर, 80,000 में। हाँ ओके, अगर बड़े लोग अगर मना कर दिए हाँ इसको सेल करने का, मतलब करना नहीं है ना, क्यों करते हैं भाई, एक लेवल पे बाइक किया है तो प्राइस उठना चाहिए। एक जबरदस्त शॉर्ट का इंतजार है ये, मतलब उसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, हम उसको देखेंगे। फाइन सर, ओके मैं सर, अभी जो बताया ना हर यस एक स्टॉक में यही होता है। ओके इसको ढूंढना आपका काम है, तो ब्रेक इनसाइड लेवल कौन सा होता है समझ रहे हो ना, उसको ढूंढना है आपको। फाइन जी यस सर, ओके, देन नाउ वी विल मूव ऑन टू द टूल्स। ओके हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस को पढ़ना है। हाँ वी विल डू दैट। हाँ यस सर। सर हाँ तो साजिद बात कर रहा हूँ हाँ साजिद भाई। सर। वो निफ्टी फिफ्टी में मैंने आपको सर चार्ट भेजा था ना, हाँ यही तो चार्ट सर होगा उसका जो शायद, क्वार्टर और कोई होगा नहीं सर, उसका अपना जो जिगजैग मार्क किया था ना क्वार्टरली लेवल से जो, क्या? हाँ तो मैंने वो एक्चुअली टच नहीं करा है सर, कुछ 25-30 नहीं पॉइंट्स नहीं 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 तो वो उस क्या लेवल हुआ था, का। इसलिए ये लेवल था ना, हाँ सर, इसको टच नहीं किया, इधर टच नहीं करे क्योंकि इधर मंथली का लो था। ओके ओके सर, इसने इधर सपोर्ट लिया है। हाँ फाइन सर, ओके फाइन सर, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा ना, मार्केट इज नॉट शॉर्ट। हाँ यस सर, आप ये बोल रहे कि हेलो भाई सर, 400 पॉइंट्स का मुंह है, ऐसा नहीं है, जब भी इधर आता है यस ना सर, घूम जाएगा। हाँ ये भी एक यस लेवल सर, है ना, जिगजैग का लो है, देखें व्हाट मतलब एक कैसे परफॉर्म करेगा कल, यही है ना। हाँ यस सर, यस सर, यस सर, 3P हेलो, का रेंज है ना? हाँ 3P का रेंज है, सब कुछ है 3P का रेंज है। हाँ फिर एक बार इसको फेंकना चाहिए बार, क्या है ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसको स्टडी करना पड़ेगा। वी विल डू दैट। ओके फाइन, यस सर, तो विल टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक सर, जब आएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस को पैटर्न को पढ़ेंगे। फाइन सर, ओके सर, वो आपको हेल्प करेगा ट्रेड ओके करने सर, में, हाँ कोई चीज करने में। ओके यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग, ओके यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग सर। ओके फाइन, यू आर जस्ट लर्निंग द टूल्स नाउ। जब एक बार यस सब सर, कुछ हो गया मतलब, हाँ ये हो सकता है सर, आज भी मार्केट लोअर लो ही है। ओके टेंडेंसी यस सर, गिरने का ही है। यस सर, ओके मैं यस इसका सर, इंतजार कर रहा हूँ किधर फिर, मैं ब्रेकआउट तो नहीं हो रहा है। फाइन ब्रेकआउट नहीं हो रहा है तो मतलब ब्रेकआउट का मैं अभी भी बताया ना कैसे होता है बोल के, अगर वो नहीं हो रहा है मैं ये बोल रहा हूँ सेलिंग आ रहा है भाई, जबरदस्त शॉर्ट बना है, मतलब उधर से घूम जाओ। हाँ आप देखोगे हाँ दिस यस वीक, दिस वीक सर, नो प्रॉब्लम। फाइन ये फाइनेंशियल सर्विस सर इसको नीचे ला रहा है ना? देखेंगे सर, मैं नहीं उसको नहीं देखा। ओके चलो हाँ, 5 मिनट्स बैक विल कम बैक सर। हाँ यस सर।